देखिए दोस्तों, इसमें पूरे नक्शे को बताया गया है कि ये मंदिर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। देखिए ये मंदिर का पूरा नक्शा है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सरबाज और आप देख रहे हैं गोरबाज। आज हम जा रहे हैं त्रिवेंद्रमपुरम के पास एक टेम्पल है, पद्म स्वामी मंदिर। त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है ये, अगर आप पैदल चल के भी आ रहे हो तो आप आ सकते हो। ज़्यादा दूर नहीं है, बस मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। अगर आप त्रिवेंद्रमपुरम से अगर आते हैं रेलवे स्टेशन से, तो मात्र 10 मिनट में आप पैदल पैदल आ जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसा है। जो रखा हुआ है वो यही है। अंदर घुसते ही देखिए तालाब एक, और ये तालाब पे देख कितने प्यारे बर्ड। तो सुंदर देखिए, ये किशन जी की मूर्तियां छोटी छोटी प्यारी प्यारी, लाफिंग बुद्धा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए बहुत प्यारी प्यारी मिल रही है, बहुत बढ़िया। गाइस अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी भीड़ है, देखिए यहाँ से लेकर और अंदर तक काफ़ी भीड़ी भीड़ है। लेकिन मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर आप देख पा रहे हो दूर तक, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं अंदर इसके। देखिएगा यहाँ पे आप कुछ भी नहीं ले सकते, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी नहीं, आप सिर्फ एक लुंगी वगैरह में ही जा सकते हैं। देखिए ना मोबाइल फ़ोन, कैमरा, चार्जर, हेडफोन आदि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते। सिर्फ आप जैसे ये आ रहे हैं लोग, देखिए खाली लुंगी में ही जाते हैं, सिर्फ सभी लोग ऐसे इसी तरीके से जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें पूरे नक्शे को बताया गया है कि ये मंदिर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। देखिए ये मंदिर का पूरा नक्शा है, ये नक्शा भी पूरा पत्थर से गोदा गया है और ये सब कुछ पत्थर का है। देखिए ये बीच में मंदिर है, देखिए ये आपका तालाब 1 2 3 4 जो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ हैं। दोस्तों फाइनली हम अंदर से आ चुके हैं, और अंदर इतना भीड़ था समझ लीजिए कम से कम 2-5 हज़ार आदमी तो कहीं नहीं था। इतना भीड़ था कि हम कम से कम 2 घंटा तो हमें एक लाइन में लगने को हुआ। वो तो हमें एक भैया मिल गए जैसे हमें बीच लाइन में से ले गए, वरना आज समझ लो सुबह के शाम होना था। चलिए फाइनली आप घूम तो लिए, बढ़िया है। और आप बताना फिर यार कैसा लगा आपको, और कहाँ देखना चाहते हो आप। ठीक है भाई, आप मिलते हैं अगले ब्लॉग में।